अरे सचिन जी, कैसे हैं आप? भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज जरा फ्री था तो सोचा घर का काम देखने ग्राउंड मार लूँ। वैसे आप कहाँ हैं? जी थोड़ा बाहर आया था काम से। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताइए मुझे, ये घर का काम तो जोरों शोरों से चल रहा है मगर हर जगह क्रैक्स क्यों दिखाई दे रहे हैं मुझे? अभी तो घर का काम खत्म भी नहीं हुआ और अभी से क्रैक्स आना शुरू। आप चिंता ना करें, ये सब मैं जल्द ही भरवा देता हूँ। हाँ हाँ देखिए जरा करिए इसका कुछ प्लीज। हाँ बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ कैसे? खैर छोड़ो, आपके पास मेरी हर मुसीबत का हल होता है तो मुझे लगता है आज भी आप मेरी इस मुसीबत से छुटकारा दिला ही देंगे। बिल्कुल सही समझा आपने नरेश जी, आपकी सारी समस्याओं का समाधान है मेरे पास। सारी नहीं सर जी, सिर्फ ये एक समस्या का समाधान कर दीजिए। देखिए घर बनाते वक्त स्लैब को फिनिश करते समय जब उस पर सीमेंट का घोल लगाते हैं तो स्लैब तो एकदम बढ़िया से फिनिश हो जाता है, लेकिन सूखने के बाद उसमें क्रेक्स आने शुरू हो जाते हैं और इसके अलावा ये गोला में, बाटा में या दीवार के किसी भी गैप में भरी हुई सीमेंट में ये क्रेक्स आना शुरू हो जाता है। हम कितनी भी अच्छे से कितनी भी मेहनत करके घर बनाएं लेकिन ये क्रेक्स हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते, और एक बार इन्हें रिपेयर भी कर लो तो भी इन क्रेक्स से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। अब आप ही बताइए सर, हम क्या कर सकते हैं? नरेश जी, अगर आप किसी भी बने हुए हिस्से को नए मोटर से जोड़ने की कोशिश करेंगे क्रैक्स तो होते ही है। चाहे वो छत या बाथरूम में गोला या बाटा बनाने का काम हो, पाइप के लिए किए गए छेद को भरने का काम हो, प्लास्टरिंग के बाद दीवार में बनाए हुए गैप्स को भरने का काम, या फिर किसी भी स्लैब या दीवार में आए हुए क्रैक्स को रिपेयर करने का काम, इन सभी स्थितियों में दोबारा क्रैक्स आ ही जाते हैं। इसके अलावा जब भी आप सीमेंट का गोला बिछाएंगे उसमें भी क्रैक्स आ जाएंगे। इसीलिए पेश है डॉक्टर फिक्सिट का URP या सीमेंट का फेविकॉल। URP? जी हाँ, ये आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। बस नरेश जी, आपको आपकी 3 आदतों से छुटकारा पाना होगा। आदतें? कैसी आदतें? पहली, बाथरूम या छत की स्लैब पे इस्तेमाल होने वाले सीमेंट के गोले को पानी से नहीं डॉक्टर फिक्सिट URP से बनाओ, और फिर इस सीलर कोट को ब्रश से लगाओ। ये स्लैब को सील करेगा, क्रैक्स भी नहीं होंगे और लंबे समय तक स्लैब को पानी से बचा के रखेगा। दूसरी, मामूली रिपेयर मोटर को बदलो और पॉलीमर मोटर यानी कि URP सीमेंट और बालू के मोटर को अपनाओ, क्योंकि ये देता है बेहतर लचीलापन, बेहतर चिपकन और बेहतर मजबूती, जिससे ये टूटता नहीं है और क्रैक भी नहीं होता। तीसरी, जब भी एक बने हुए हिस्से के साथ नया मोटर जोड़े तो पुराने और नए मोटर को चिपकाने के लिए URP का बॉन्ड कोट इस्तेमाल कीजिए, इससे दरारें बिल्कुल नहीं आएंगी। और याद रखे, पॉलीमर मोटर का इस्तेमाल करें, रेगुलर मोटर का नहीं। आपने बोल तो दिया सर जी, लेकिन ये सब हम कैसे मान लें? कुछ करके दिखाइए। जी जरूर। 2 लंबे सिलेंडर बनाइए, पहला पॉलीमर मोटर यानी URP सीमेंट और रेत से, और दूसरा रेगुलर मोटर यानी केवल सीमेंट, पानी और रेत से। अब इन्हें लुढ़काइए। देखिए रेगुलर मोटर से बना सिलेंडर कितनी आसानी से टूट गया, लेकिन पॉलीमर मोटर का सिलेंडर लुढ़कता ही गया। यानी URP से बना पॉलीमर मोटर अच्छे से पकड़ कर रखता है और जल्दी नहीं टूटता। तो ये हो गई URP से बने पॉलीमर मोटर की परख। देखिए, ये ली है हमने साधारण छन्नी, दूसरी छन्नी भी साधारण ही है, पर इस पर हमने लगाई है सीलर कोट की परत। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए नरेश, देख पा रहे हैं आप? पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी। अब सीलर कोट जो छन्नी में, जिसमें इतने सारे छेद होते हैं, उसमें से पानी निकलने नहीं देता, तो फिर आपकी किचन और बाथरूम क्या चीज है? तो ये हो गई डॉक्टर फिक्सिट URP के सीलर कोट की परत। ये है हमारा बॉन्ड कोट। अब आप अपना अंगूठा इसमें डालिए और उसके बाद उसे उंगली लगाइए। अरे ये तो चिपक रहा है, बिल्कुल फेविकोल की तरह। कहा था ना मैंने आपसे। तो नरेश जी, हो गई पूरी तसल्ली? जी वो तो हो गई, लेकिन ये सब करना कैसे है? कैसे बनाएंगे URP का सीलर कोट, पॉलीमर मोर्टार और बॉन्ड कोट? आइए दिखाता हूँ तीनों को इस्तेमाल करने का सही तरीका। पॉलीमर मोर्टार बनाने के लिए 1 किलो URP को 10 किलो सीमेंट और 30 किलो बालू में मिलाइए। बॉन्ड कोट बनाने के लिए 1 किलो डॉक्टर फिक्सिट URP को एक कंटेनर में डालिए और फिर धीरे से मिक्स करते वक्त URP में 1 किलो सीमेंट मिलाइए। जब तक मसाला एक समान नहीं हो जाता तब तक उसे हिलाते रहिए।
सीलर कोट के लिए 1 किलो डॉक्टर फिक्सी डीआरपी को कंटेनर में डालिए और फिर मिक्स को हिलाते हुए उसमें धीमे धीमे 1.5 किलो सीमेंट डालिए। एक समान सॉल्यूशन बनने तक हिलाते रहिए। एक नई छत पर स्लैब बनाने के बाद उसको फिनिश करने में तीनों का इस्तेमाल होता है। तराई के दौरान आए क्रैक्स में पहले बॉन्ड कोट लगाते हैं, फिर रिपेयर पॉलीमर भर देते हैं और अंत में पूरी स्लैब को यूआरपी सीलर कोट से ढक देते हैं। सतह को साफ कर धूल को हटाइए, फिर दरारों को मशीन या कटर से बी ग्रूव में काट कर थोड़ा बड़ा कर लें। उसके बाद सतह को पानी से साफ कीजिए, एक्स्ट्रा पानी को निकाल दीजिए और सतह के सूखने का थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि सतह को इतना ही सुखाना है कि नमी बनी रहे और आपको पानी महसूस ना हो। इस स्थिति को सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन या फिर SSD भी कहते हैं। अब बॉन्ड कोट का एक कोट खुली दरारों पे लगाइए और फिर उन दरारों को रिपेयर मोटर से भर दीजिए। फिर एक दूसरे से आड़ी दिशा में सीलर कोट के 2 कोट लगाइए। ध्यान रखिए कि दोनों कोट के बीच 6 से 8 घंटे का अंतर हो। इसे सभी पिन होल्स अच्छे से भर जाएंगे और सीलर कोट सही ढंग से लगेगा, जिससे कि वाटरप्रूफिंग अच्छे से होगी। फिर दूसरा कोट लगाने के बाद उसे 6 से 8 घंटों के लिए एयर केयर कीजिए और स्क्रीड या कोबा के रूप में एक प्रोटेक्शन कवर लगाइए। तो नरेश जी, अब आप जान गए हैं कि कंक्रीट या मोर्टार की दरारों को रिपेयर कैसे करते हैं और सीलर स्लैब को कैसे लगाते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि सीलर कोट को इस्तेमाल करने से किसी भी 4x7 के बाथरूम में स्लैब लगाने का खर्चा केवल 300 रुपए तक का ही होता है। 300 रुपए? सर, इससे ज्यादा तो मेरा चाय पानी का खर्चा हो जाता है। तो नरेश जी, आपके चाय के खर्चे में एक बाथरूम की पूरी वाटरप्रूफिंग हो जाती है। अगर आप साधारण सीमेंट के गोले की जगह डॉक्टर फिक्सेड यूआरपी के सीलर कोट का इस्तेमाल करें तो उसमें दरारें बिल्कुल नहीं होंगी। इसी तरह अगर किसी भी क्रैक्स की रिपेयर में, गोला बनाने में, पाइप के लिए किए गए होल्स को भरने में अगर आप यूआरपी का पॉलीमर मोटर इस्तेमाल करेंगे और उसे यूआरपी के बॉन्ड कोट से पुराने मोटर से चिपकाएंगे तो क्रैक्स नहीं आएंगे। तो आज ही अपनी तीनों आदतों को बदलिए और डॉक्टर फिक्सेड यूआरपी के तीनों इस्तेमाल यानी सीलर कोट, पॉलीमर मोटर और बॉन्ड कोट को अपनाइए। वाह, मान गए सर जी, यानी कि हमारी रोजमर्रा की समस्याओं से ये यूआरपी छुटकारा दिला देगा। नरेश जी, अब आप समझ गए आपकी समस्याओं का समाधान क्या है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। अगर दरारों की समस्या से छुटकारा पाना है तो हमें इस्तेमाल करना होगा सीलर कोट, पॉलीमर मोर्टार और बॉन्ड कोट, यानी कि SPV वाला डॉक्टर फिक्सिट यूआरपी। तो डॉक्टर फिक्सिट यूआरपी अपनाइए और दरारों को भूल जाइए।